Welcome to another video. So, अभी हम हलाल टेस्टी हैं, कुछ ऑर्डर शार्डर करने. अभी ऑर्डर करने के बाद जो है हम नमाज पढ़ेंगे, और जब नमाज पढ़ के आएंगे तो फिर ऑर्डर तैयार होगा हमारा. तो आगे चेक करते हैं कैसा है. और कैमरे की परफॉर्मेंस भी तो चेक करनी है ना हमने. शायद मेरे भाई को ज़्यादा पता है कि इधर कौन सी अच्छी चीज़ मिलती है, तो उसको मैंने कहा कुछ भी ऑर्डर करो. बर्गर है, पिज़्ज़ा है, और एक और चीज़ है बड़ी फेमस है. चलो जी, हमें अब कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये क्लोज हो चुका है. कुछ भी नहीं है, ना बर्गर है, ना कैलाज़ोन है, ना कुछ और है, तो कहीं और ही जाते. अच्छा तो नमाज हमने पढ़ ली है, और उधर जो हलाल एंड टेस्टी वाला था ना, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बंद था. तो अभी हम एक और जगह पे आए, बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये. इसका नाम है तमाशा, ये इधर आइलैंड में है. तो मैं आप लोगों को इसका व्यू पहले दिखाता हूँ. हमने ऑर्डर खैर बहुत कुछ किया है. मसला ये हुआ है ना कि ये इस कैमरे को ऐप के साथ कनेक्ट करना तो बहुत बड़ा एक मसला था. तो शुक्र है हो गया ऑर्डर आने से पहले, तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी अब, तो ये अच्छी बात है. और व्यू तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है. क्यों होंगी, रात का टाइम है तो इतना सही व्यूज़ शायद तुम लोग नज़र ना आ रहा हो. ये तो जब लैपटॉप में वीडियो डालेंगे तो फिर पता चल जाएगा. आप देख सकते हैं तमाशा. खैर नॉर्मल सेटिंग है, जो मैंने एक वीडियो में यूट्यूब से देखी थी कि व्लॉग के लिए ये सेटिंग होनी चाहिए. तो अभी ये हमारा पहला ऑर्डर आ गया कॉकटेल, तो इसको पहले सही तरह मिक्स कर लेते हैं कि सब जो है ना मिक्स हो जाए, तो टेस्ट लहदा लहदा ना है, बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाए. हाँ 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 बड़ा मज़े का. और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो है फ्रेश ऑरेंज और फ्रेश पाइनएप्पल और कोकोनट सिरप. हाँ, कम्बिनेशन वैसे बड़ा अच्छा है. तो ये तो अभी स्टार्टिंग अप है, इसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ आता है. ये मुझ पे डन करवाएंगे ये सारी चीज़ें, तो अल्लाह खैर ही करें. तो ये है हमारा ऑर्डर, बर्गर है, बीफ चीज़ बर्गर है, मतलब इनका ये स्पेशल बर्गर है. और सिर्फ तो अच्छा ये पिज़्ज़ा. जो कुछ लोग होते हैं कोई शिफ्ट बुक करते हैं या इस तरह ना, फिर यहाँ से लोग किसी और आइलैंड जाते हैं इधर उधर घूमने फिरने, तो ये मतलब सीशल में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह यही है. अभी हम खाना ट्राई करते हैं, उन लोगों में साइड का व्यू दिखाता हूँ. बर्गर तो वैसे इनका अच्छा है, सही लोडेड बर्गर है. चेक करते हैं ये बीफ है ना, बड़ा मज़े का यहाँ. बाकी बड़ा मज़े का बर्गर, और बीफ पैटी भी डाला है ना, मतलब अच्छी क्वांटिटी है यार. सही हैवी बर्गर है. अच्छा आगे
बात ऐसी है ना कि जब मुझे पता लगा इस बर्गर की प्राइस का, तो मैंने सोचा है कि वीडियो भी लंबी बनानी चाहिए भाई, और तुम लोगों को कुछ और ज़्यादा दिखाऊंगा इस बर्गर के बारे में, क्योंकि जितनी इसकी प्राइस है ये बर्गर डिज़र्व करता है मोर अटेंशन, और तुम लोग और देखना चाहिए। और बर्गर की प्राइस मैं इसलिए भी नहीं बताऊंगा कि बहुत लोग देख रहे हैं यार, तो प्राइस बताना अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन वर्थ इट है। प्राइस के तो महंगे है लेकिन अच्छा वर्थ इट है। यहाँ और बर्गर से अच्छा है, मतलब जो बर्गर किंग से हम लेते हैं ना उससे तो खैर अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उनके पास होता भी ज़्यादा अच्छे का नहीं है, तो बीफ है। एक बर्गर पे बने का सही पेट फुल हो जाता है। चलो तो आपकी खिदमत शिदमत करेंगे यार। बर्गर की खैर हमने वीडियो बना दी है, तो पिज़्ज़ा रहता था, पिज़्ज़ा खैर हमने बच्चों के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन चेक तो करना बनता है। बहुत अच्छे हैं इनका, बिल्कुल उसी तरह है जैसे ये डोल्से वीटा में हमने खाया था ना, लेकिन ये मेरे ख्याल से उससे थोड़ा अच्छा है, लेकिन बड़ा मज़े के। तो खाना शाना हमने खा लिया और अब जा रहे हैं हम घर। अच्छा था यार, बड़ा मज़ा आया, आउटिंग भी होगी और हवा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आज मौसम बड़ा मज़े का है, हवा बड़ी अच्छी लग रही है, और खाना भी बड़ा अच्छा था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, बड़ा मज़ा आया यार, सही माइंड रिफ्रेश हो गया। चलो ओके बाय, बस यही था व्लॉग में, इसको डालते हैं फिर लैपटॉप पे वीडियो, देखते हैं कि लैपटॉप पे फिर इसकी क्वालिटी कैसी आती है। ओके बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, थैंक यू इन एडवांस, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।